हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर टेक। चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक लैपटॉप के अंदर का दिखाते हैं कि लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। हर चीज़ के बारे में बताते हुए आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है जिसमें आपको हर तरह का हर चीज़ आपको खोल के हम दिखाएंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ होता है सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहले दिखा दें कि देखिए ये किस कंपनी का लैपटॉप है जो कि आपके सामने रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप को। चलिए हम इसको अब ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस लैपटॉप को ओपन कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके सामने खुल गया है। ये कॉम्पर का लैपटॉप है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसको ओपन करके दिखा दें। तो देखिए दोस्तों, जो लैपटॉप आपके सामने दिख रहा है इसमें, इसको हम पीछे से देखिए, कुछ खोल के रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत खोलना बाकी रह गया है ताकि वीडियो ज़्यादा देर तक ना हो, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए दोस्तों, पीछे से हम दो चार चीज़ें खोले हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो चार चीज़ें खोले हुए हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, इसमें देखिए स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू में देखिए आपको यहाँ एक पतला पतला पिन दिख रहा है लगा हुआ। देखिए एक वाशर लगा हुआ है एक तरह का, ये एक तरह का खास वाशर है जिसको नट के अंदर लगाते हैं ताकि ये नट गिरे नहीं, इस लैपटॉप से बाहर ना गिरे, इसी में हमेशा फंसा रहा है। इसके लिए देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको सेटिंग किया गया है, आपके सामने कैमरे पे दिख रहा होगा। देखिए कितने अच्छे से इसको वाशर लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम अब आपको इसके अंदर के चीज़ों को दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या काम करता है। चलिए दोस्तों, देखिए इस यहाँ पर, देखिए इस जगह पर ये लगा होता है जो कि इसका सबसे मेन चीज़ है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो देखिए इस हार्ड डिस्क पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर में दिया होता है, इसके अंदर इसका टोटल डिफिनेशन दिया हुआ है, इसका क्या क्या है, किस कंपनी का है और इसके बारे में टोटल जानकारी इसमें दी गई है इस हार्ड डिस्क के बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पर लगी होती है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि आपको दो तरह का रोम लगा होता है। देखिए रैम रोम लगा होता है, ये देखिए आपका रैम है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। ये है इसका एक तरह का रैम है जो कि इसके अंदर लगा होता है। अब इसके बाद से हम अब इसको चलते हैं अंदर से, इसको फिर दो चार चीज़ों को खोल लें। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लगी हुई है, छोटी सी किट, इसको हम निकालते हैं वापस। तो ये देखिए इसमें दो तरह का पिन लगा हुआ है, एक ये और एक काला और एक सफ़ेद में। ये एक पता नहीं क्या चीज़ है जो कि इसमें लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम और अंदर से फिर खोल के देखते हैं। पहले इसका सबसे पहले हम बैटरी खोल लें, सबसे ज़रूरी चीज़ बैटरी खोल लें। इसका बैटरी देखिए आपके सामने दिख रहा है बैटरी, ये लगभग HP का भी बैटरी के समान ही है, इस पर HP का बैटरी लगा हुआ है। और ये देखिए आपको इस बैटरी के बारे में टोटल दिखेगा। और इसके बाद से चलिए हम इसको और अब ओपन से अंदर से ओपन करते हैं। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लें हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये इसका कीबोर्ड है जो कि हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। देखिए इसका कीबोर्ड, ये यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे लगा होता है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लगा होता है कीबोर्ड, इसका कीबोर्ड यहाँ पे लगा होता है। अब इसको हम और ओपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पूरी तरीके से अच्छे से ओपन करके देखते हैं कि और इसके अंदर हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले ओपन करने से पहले इसका हम सबसे मेन चीज़, इसका लेंस जो होता है जिसके अंदर कैसेट लगाते हैं, इसको हम निकाल लें। ये देखिए इसके अंदर हम कैसेट वगैरह लगाते हैं, ये इसके अंदर लगा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा होता है जिसको हम यहाँ पे ऐसे आराम से इसको ऐसे सेटिंग कर सकते हैं, फिर निकालना हो तो इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको निकाल के बाहर करते हैं और उसके बाद से देखिए अब इसको फिर इसको पूरा ओपन करते हैं। देखिए अब हमारा ये लैपटॉप बिल्कुल खुल चुका है। ये देखिए यहाँ पे इसको आपको दिख सकता है, यहाँ पे ये जो है ये बटन का की है और ये जो दिख रहा है ये आपका जो टच है उसका कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है। इसको डायरेक्ट जोड़ के हम इसको काम में लाते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं फिलहाल, अभी फिर हम इसको देखते हैं, इसको अंदर ओपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको अभी ओपन किया हुआ है। देखिए इसमें नट बोल्ट से इसका ये जो केवल एक किट लगाने के लिए एक सर्किट बोर्ड है इसमें दिया हुआ है, और इसका मदर बोर्ड जो है जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए इसका ये मेन जो कीबोर्ड का की है यहाँ लगा हुआ था,
इसको यहाँ लगाया गया था, देखिए इस जगह पे इसका मेन मदरबोर्ड का की लगाया हुआ था, और बाकी एक दूसरा की जो है जो कि आपके सामने दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पे लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे इसको हम लगाते हैं इस जगह पे। तो इसको फ़िलहाल अब इसको भी निकाल दें हम, ये जो हम अभी निकाल रहे हैं फ़िलहाल में, ये हमारा ये अंदर के जो मेन इसका हार्ड डिस्क है उसका कनेक्शन है। तो ये हार्ड डिस्क का कनेक्शन यहाँ लगा हुआ था, अब हम इसको पूरा लैपटॉप साइड करते हैं। केवल अब हमारे हाथ में मदरबोर्ड है इसका, इस मदरबोर्ड में देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पे हम एडाप्टर लगाने का दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका देखिए पीछे से इसका ये एसी जो दिया हुआ है, ये एसी का फ़ैन है जिसको गर्म हवा इसके अंदर से फेंकता है। और देखिए इसका एसी का जो मेन बेस है वो डायरेक्ट ले आके इसके मेन प्रोसेसिंग सीपीयू के जो कि उसके ऊपर लगा दिया गया है ताकि इसका सीपीयू ठंडा रहे वर्क करते वक्त। तो देखिए इसका कितना हैवी इसमें मटेरियल दिया गया है, डायरेक्ट इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट एसी का पूरा हवा सीधा सीपीयू पे, इसका यानी कि इसका डायरेक्ट सीपीयू पे पड़ता हुआ है। तो अब इसको हम सीपीयू को ओपन करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके सीपीयू को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम इसको सीपीयू को ओपन कर रहे हैं, देखिए तो देखिए दोस्तों हम इसके सीपीयू को अभी ओपन कर रहे हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा सीपीयू ओपन हो चुका है, इसका जो सीपीयू का मेन जो बेस होता है जिसको हमने ओपन कर अब इसको हम ओपन कर चुके हैं, इसको हम निकाल देते हैं इसके मेन किट को। एसी का मेन जो सिस्टम है, एसी का मेन यहाँ से इसका वायर जाता हुआ और इसको यहाँ पे मिलता है इसका कनेक्शन। अब इसको हम साइड करते हुए अब देखते हैं, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है इसका मेन प्रोसेसर जो कि आपके सामने एकदम साफ साफ दिख रहा है, जिससे कि हमारा सारा काम कंप्यूटर करता है। ये मेन प्रोसेसर जो इसका है ये आपके सामने दिख रहा है। हम इसको ये देखिए इसमें एक इसको ओपन करने के लिए दिया हुआ है, इसको हम ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए हमारा सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग है ये हमारा ओपन निकल चुका है साफ तौर पे, और देखिए कितना बारीक और किस तरह का ये है, देखिए आपके सामने दिख रहा है ये किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया बनाया गया है, कितनी कंपनी को मेहनत लगती होगी इसको बनाने में। देखिए इसमें कितने छोटे छोटे ट्यूब दिख रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक ट्यूब जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये टोटल ट्यूब इसके अंदर लगे होते हैं। देखिए ये हमारा सीपीयू है जो कि इसके अंदर लगा होता है। तो चलिए दोस्तों अब फिलहाल हम इसको और इसके आगे कुछ देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल हम इसको सीपीयू को यहीं पे फिर वापस लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों सीपीयू लगाने में भी ध्यान रखें, इसमें जिस तरीके से निकला है उसी तरह से लगना चाहिए, नहीं तो ये निकलना मुश्किल ही है। तो ये हमारा सीपीयू अभी फ़िलहाल में लग चुका है, अब इसको हम फिर से वापस इसमें टाइट कर दिए। अब देखिए ये सीपीयू निकलेगा नहीं, इसमें टाइट हो चुका है, अब ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब चलिए हम इसमें आगे देखते हैं, अब आगे इसमें क्या क्या, देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है जो कि आजकल के 12 वोल्ट की जो 6 वोल्ट की जो बैटरी आती है 3 वोल्ट की, इस तरह की बैटरी इसमें लगी होती है, बड़ी सी बैटरी होती है, इतनी बड़ी लगभग इतनी बड़ी जो बैटरी आती है मोबाइल की वो बैटरी इसमें लगी होती है। यहाँ पे देखिए अब आपको बाकी को बाहर का चीज़ तो आपको सबको मालूम ही होगा क्या क्या चीज़ लगा होता है, बाकी अंदर में आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी डिज़ाइन बनी हुई है जो कि किसी भी किसी काम में आती है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स कि क्या क्या इसमें लगे हुए हैं, इधर से भी देख लीजिए इसमें टोटल क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे देखिए एक और इसका किट लगा हुआ है जो कि इस कंप्यूटर को चलाने में काम आता है, और ये जो है ये देखिए यहाँ पे बैटरी का बेस, यही है हमारा बैटरी जहाँ पे लगा होता है। और आपको हम दिखा दें इसमें ये जितने भी ये देखिए नट बोल्ट कसने वाले जो खांधे बने हुए, ये देखिए ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है आपको सामने, ये सारा बेस जो कि अलग अलग कनेक्शन से लगा होता है सब एक में अटैच होता है, सारा का सारा अटैच लगा होता है इसमें। तो इसके ज़रिए हम कंप्यूटर कहाँ से फॉल्ट है कैसे, मतलब इसका कहाँ से कोई फॉल्टिंग है इसमें मदरबोर्ड में, उसको चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं जो कि मदरबोर्ड को चेक करने के लिए बनाया जाता है ख़ास तौर पे। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, अब इतने पर रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।